हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज 1.2 का मैंने सॉल्व द प्रॉब्लम्स में दो करवा दिया। अब तीसरे क्वेश्चंस पे जाते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 577,500 वोट्स। ओके, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने कितना वोट दिया है वो लिख लेते हैं। पहले जब भी हम प्रॉब्लम समझाते हैं उसके मेन चीज जो है हेडिंग वो लिख के रख देते हैं ताकि हमें फिर कंफ्यूजन ना हो। कितना था? ओके सॉरी, या तो गलत कर दिया मैंने। 577,500 वोट्स। ओके, अभी एंड इज नियरेस्ट राइवल सिक्योर 348,700 वोट्स। अब नियरेस्ट राइवल सिक्योर कितना था? 348,700 वोट्स। चलो अभी आगे देख लेते हैं। अभी ये दो मेन तो हो गए, अब तीसरा क्या क्वेश्चन पे पूछते हैं, एडिशन है क्या सब्ट्रैक्शन है वो समझ लेते हैं। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शंस। अब उसमें क्या समझ में आया? बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द वोट। ओके, वो हमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है या माइनस करना है? दोस्तों बोलो, माइनस ही करना है। तो वैसे ही हम लिख देंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कितना था? 577,500 वोट्स एंड नंबर ऑफ वोट्स नियरेस्ट टू ड्राइवर्स सीक्वेंस। उसमें कितना था? 348,700। अब मार्जिन कुछ अभी और कितना है तो माइनस कर देते हैं। अब मैंने जीरो से जीरो जाता है, जीरो से जीरो, फाइव में से सेवन नहीं जाता, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से एक नंबर यहाँ पे ले लेती 50, यहाँ पे एक लेस हो जाता है, फिर वापस यहाँ से एक नंबर लेती, यहाँ पे लेस हो जाता है। ओके, सो 15 में से सेवन जाता तो कितना आता है? 8, इधर 8, इधर 2 और इधर 2। ओके, सो इसका क्वेश्चन क्या हुआ है, इसमें टोटल कितना बैलेंस आएंगे डिफरेंस, तो उसमें क्या लिखेंगे? देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट कैंडिडेट वॉन बाय बाय अ मार्जिन ऑफ 228,800 वोट्स। ओके, थर्ड वाला भी सीख लिया है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, उसके पहले ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब फोर्थ वाले में प्रॉब्लम्स में लिखते हैं। देखो मैंने पहले जो रीड करती हूँ क्वेश्चन और उसमें जो मेन पार्ट से वो लिखती हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन करती हूँ, तो बहुत ही इजी और अच्छा लगता है। ओके, समझ में भी आ जाता है। किरिट बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 285,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड सेकेंड वीक ऑफ द मंथ में 4,768। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। अब पहले मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ जून में कितना आया है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में 28589 रुपीज का बुक खरीद गया। ओके, सेकेंड वीक में ऑफ दिस मंथ ओनली उसमें कितना आता है, 4,768,000 रुपीज 768 ये आ गया।
अभी हमें इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द दोनों वीक, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का दोनों का सेल देखना है टुगेदर. ओके, तो वो टुगेदर वर्ड जो आता है उसका मीनिंग है एडिशन. सो हम इधर लिखेंगे बुक सोल्ड इन, सोल्ड इन फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक कितना था? 285,891 ओके रुपीज इतना. बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक का रुपीज कितना था? 4,07,68 प्लस करो 8 का 9 10 है, 9 प्लस 6 10 11 12 13 14 50 15,188,16,1,686 ये आ गया हमारा टोटल वीक्स का. ओके, टोटल 2 वीक्स का ये हमें मिल गया है आंसर. अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं. अब इसके आगे क्वेश्चन है हाउ मच इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर. अब सेल ग्रेटर, अब ये दोनों वीक में से सबसे ज्यादा कौन सा बिका है? तो 4 लाख ओके, उसका क्या था? 4,07,68 तो वो ग्रेटर हो गया है क्योंकि इसमें सेकेंड फर्स्ट वीक का कितना था? 9,1 ये 4 लाख है, ये 28 है. सो ग्रेटर क्या है? ये है. अब इसमें दोनों ग्रेटर तो मुझे मिल गया, 4 लाख है सेकेंड वीक का. अब इसमें बाय हाउ मच, अब कितना ग्रेटर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये दोनों को माइनस कीजिए. बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक वो लिखना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने लिख दिया है. फर्स्ट वीक कितना है? 4,00,768. अब सेकेंड वीक का 285,891 माइनस करो, अपना आंसर्स मिल गया है यहाँ पे. अब माइनस करना है कि आप लोग करोगे, कर लोगे ना इतना. अब ये देखो फर्स्ट वीक का पहले पूछा गया तो उसका टोटल टुगेदर करना था, वो मैंने टोटल कर दिया. अब टोटल में से ये दोनों फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का कौन सा ग्रेटर है वो देखना है. ग्रेटर होने के बाद कितना ये आता है वो आप लोगों को देखना है. सो उसमें हाउ मच होता है, सो आंसर क्या आता है? 114,877 ओके. 8 में से 7, 6 नहीं जाता है 5 इधर आता है, 15 में से 9 और इधर 6 आता है, इधर 9 आता है, इधर 1, इधर 9, इधर 3. इस तरह कैलकुलेशन करके आंसर्स ले लिया है. ओके दोस्तों, फोर्थ वाला भी आपको समझा दिया मैंने. अब फिफ्थ वाले वीडियोस पे जाते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चंस पे. ओके, अब फिफ्थ वाले के लिए आप लोग ने ये लिख पॉज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब मैं फिफ्थ पे जाती हूँ. अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वन. 6, 2, 7, 4, 3 ये डिजिट एक ही बार लिखना है, उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. ये डिजिट का हम लोग रिपीट भी नहीं कर सकते, एक ही टाइम करना है. तो अभी मैं क्या करती इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ओके, और इसमें क्या पूछा गया? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. अब डिफरेंस बिटवीन क्या है? माइनस पे आता है. तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर अभी इसमें से सबसे बड़ा पहले कौन सा है? 7, फिर 6, फिर 4, 3, 2. अब स्मॉलेस्ट नंबर पे जाते हैं, इसका सबसे लास्ट फोर स्मॉलेस्ट नंबर में यहाँ से चले जाएंगे 2, 3, 4, 6, 7 ओके. अब डिफरेंस बोला है तो माइनस करेंगे. अब 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12, इधर 2 है, इधर 3 है, 1 इधर नहीं जाता तो यहाँ पे क्या आएगा? 5, 1. फिर क्या करेंगे यहाँ पे? 5, 6, 9, 2, 5 ये आ गया है. मैम सो अपना डिफरेंस क्या रहा?
ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का 52,965। ओके, फिफ्थ वाला भी सम समझ में आ गया। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो देखे, ये प्रॉब्लम सम्स में आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूशन होते हैं, ओके, कन्फ्यूशन होते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन रीड करके वो छोड़ ही देते, सॉल्व द प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में भी नहीं लिखते। लेकिन दोस्तों आप जस्ट क्वेश्चन को समझो, डिफरेंस होता तो माइनस आता है, टोटल होता है, ऑल टुगेदर होता तो प्लस आता है, लेफ्ट और रिमेन जो होता है माइनस। इतना इजीली मैंने आप लोगों को समझाया। ये वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, क्वेरीज, कुछ भी पूछना हो तो आप ये यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट कीजिए, मैं वो देखिए आप लोगों को समझा लूँगी। ओके दोस्तों, और अगर आप लोगों को ये शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजिन्स, जो भी है, नेबर्स, जिसको भी दे सकते हैं, ये वीडियो सब शेयर कीजिए ताकि बच्चे सब बैठ के पढ़ सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और प्रेस द बेल आइकन टू सी द नेक्स्ट अपडेट। सो थैंक यू।